तारीख 11 दिसंबर 2017, समय रात के 10:10। साइंस चैनल ने पूरी दुनिया के टेलीविजन पर रामायण काल के राम सेतु का एक वीडियो प्रकाशित किया, जिसमें नासा ने राम सेतु का एक सैटेलाइट इमेज जारी किया। उस वीडियो क्लिप को जब पूरी दुनिया ने देखा तो सबके होश उड़ गए। पूरी दुनिया की नज़र श्रीलंका और भारत के बीच राम सेतु पर टिक गई, क्योंकि राम सेतु की तस्वीर को इस तरीके से ना आज तक किसी ने दिखाया और ना ही कभी इसकी कोशिश की गई। जिस मुद्दे को लेकर भारत में सदियों से बहस चल रही थी, उस मुद्दे पर मानो नासा ने पूर्ण विराम लगा दिया। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आज आप जानेंगे आखिर नासा के वैज्ञानिकों ने राम सेतु पर क्या बोला और उनके मुताबिक ये रामायण काल का है या नहीं। इसके साथ ही साथ आप ये भी जानेंगे कि आखिर भारतीय वैज्ञानिकों का राम सेतु पर क्या विचार है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अद्भुत टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। रामायण के युद्ध कांड में राम सेतु के निर्माण का वर्णन किया गया है। राम सेतु को आर्किटेक्ट नल और नील की देखरेख में बनाने में 5 दिन लगे थे। ऐसा माना जाता है कि राम सेतु चूना पत्थर की पूरी एक श्रृंखला से बना है। ये करीबन 30 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा है। ये भारत के पंबन द्वीप के धनुषकोडी से शुरू होता है और श्रीलंका के मन्नार द्वीप पर समाप्त होता है। इन क्षेत्रों में समुद्र बहुत ही उथला है। रामायण में उल्लेख है कि ये पुल पत्थरों से बनाया गया था और ये पत्थर नल और नील के स्पर्श से पानी में तैरते थे। समुद्र में इन चट्टानों की गहराई लगभग 3 फुट से लेकर 30 फुट के बीच है। कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी में इस ढांचे के जरिए रामेश्वरम से मन्नार तक जाया जा सकता था, लेकिन 1480 में ये चक्रवात के चलते टूट गया। चलिए अब जान लेते हैं कि नासा के वैज्ञानिकों ने राम सेतु पर क्या कहा। डिस्कवरी कम्युनिकेशन के निर्मित शो एंशियंट लैंड ब्रिज का प्रोमो साल 2017 में रिलीज किया गया था। इस प्रोमो में बताया गया था कि रामेश्वरम के पंबन द्वीप से श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच 30 मील से ज़्यादा की एक श्रृंखला चट्टानों से बनी है जो 7000 साल पुरानी है। इसमें कहा गया कि सैंडबार प्राकृतिक हो सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर रखे पत्थर को कहीं दूर से लाकर किसी ने यहाँ पर रखा था। ये सैंडबार लगभग 4000 साल पुरानी है। ये अजीब है कि बालू के ऊपर रखी चट्टाने बालू से ज़्यादा पुरानी है। इस शो में नासा की सैटेलाइट तस्वीरों का हवाला देते हुए चट्टानों की श्रृंखला को प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित बताया गया है। दिलचस्प बात तो यह है कि धनुषकोडी और मन्नार द्वीप के बीच समुद्र किनारे की कार्बन डेटिंग रामायण की तारीख से मेल खाती है। भूवैज्ञानिकों ने नासा की तरफ से ली गई तस्वीरों को प्राकृतिक बताया है। वैज्ञानिकों ने अपने विश्लेषण में ये पाया कि 30 मील लंबी ये श्रृंखला चेन मानव निर्मित है। अपने विश्लेषण में भूवैज्ञानिकों को ये पता चला कि जिस सैंड पर ये पत्थर रखा हुआ है, ये कहीं दूर जगह से यहाँ पर लाए गए हैं। उनके मुताबिक यहाँ पर लाए गए पत्थर करीबन 7000 साल पुराने हैं, जबकि जिस सैंड के ऊपर इस पत्थर को रखा गया है वो महज सिर्फ 4000 साल पुराने हैं। खास बात तो ये है कि हमारे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भी रामायण की घटनाओं का जो समय बताया जाता है वो भी यही है। निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए वैज्ञानिकों ने समुद्र के बढ़ते जलस्तर और विभिन्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अवशेषों की कार्बन डेटिंग का सहारा लिया। इससे मिले समय को वैज्ञानिकों ने रामायण काल से जोड़ा तो दोनों की टाइमिंग एक समान पाई गई। लेकिन इस बात को और भी पुख्ता करने के लिए वैज्ञानिकों ने वाल्मीकि रामायण का सहारा लिया, जिसमें वाल्मीकि रामायण के दर्ज तारों की स्थिति का पता लगाकर प्लैनेटोरियम सॉफ्टवेयर से उस काल का समय निकाला गया। ये अवधि करीबन 7000 साल पुरानी बताई गई। इसके बाद तब से अब तक समुद्र में जल स्तर में आए बदलाव की गणना की गई। पता चला कि तब से लेकर अब तक समुद्र का जल स्तर 3 मीटर बढ़ चुका है। और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि अब राम सेतु के पत्थर पानी से इतने नीचे तक ही पाए गए हैं, यानी तब राम सेतु के पत्थर सतह पर रहे होंगे और वो पुल की शक्ल में नजर आते होंगे। बताया गया है कि राम सेतु का पता चलने के बाद सेतु के पत्थरों में मौजूद सूक्ष्मजीवी फॉर्मिनिफेरा, कोरल, ओलाइट्स आदि के अवशेषों की कार्बन डेटिंग की गई।
इनकी अवधि भी 7000 साल पुरानी पाई जाने के बाद ये साफ हो गया कि वाल्मीकि रामायण में दर्ज काल और राम सेतु के पत्थर एक ही अवधि को दर्शाते हैं। इन सारे सबूतों और इतिहास के प्रमाण के अनुसार ये तो तय हो गया कि सच में यहाँ पर एक पुल था, लेकिन अब इसका निर्माण रामायण काल में भगवान राम के नेतृत्व में हुआ या किसी और ने इसे बनाया, इस बात पर आज भी वैज्ञानिक कुछ भी नहीं बोलते। दोस्तों, इस वीडियो के दूसरे पार्ट में हम जानेंगे कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जहां वैज्ञानिक राम सेतु पर अत्याधुनिक मशीनों का सहारा लेकर उन सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे जिससे ये पक्का यकीन हो जाएगा कि सच में यहाँ पहले एक पुल था और ये रामायण काल में ही बनवाया गया था। दोस्तों, आपके मन में राम सेतु को लेकर क्या विचार है? अपने सभी जवाब हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर लिखिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त प्रदीप, जल्दी मिलता हूँ आप सभी के साथ एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।